बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना के सांसद। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में इंडिया नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अच्छे संगठन हो जाता। सबसे पहले मैं कह दूं कि उन्होंने हमला नहीं बोला है, उन्होंने अपना डर और जो भय है अभी इंडिया अलायंस बनने के बाद वो दर्शाया है, और वो किसी भी टेररिस्ट से तुलना कर लें, सब कुछ कर लें, जो मन चाहे कर लें, जो भी उनको कहना है कह लें। हमारी लड़ाई जो है देश की जनता के लिए है, हमारी लड़ाई मन की बात की के खिलाफ है, जब बात होनी चाहिए जन की बात की है, और हम जनता की आवाज़ बनाए रखेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि मणिपुर पर चर्चा हो, उनको मजबूर करेंगे कि अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो, मजबूर करेंगे कि महंगाई पर चर्चा हो, महिलाओं पर हो रहे आक्रमण पर हो, हर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे इनके साथ। और ये कोई भी हमें उपाधि देना जाए वो उनका डर दिखा रहा है कि वो डर गए हैं। लेकिन आप लोगों जब बैठक की थी, नाम जो तय हुआ इंडिया, तो यही सवाल पूछा था ना कि क्या बीजेपी अब इंडिया का विरोध करेगी, प्रधानमंत्री ने उसी का जवाब दिया। नहीं, वो उनको जो जवाब देना है उनका जवाब देखिए कैसा तिल मिलाया हुआ जवाब है। अब देश की जनता ने ये जो इंडिया अलायंस है, चुनी हुई सरकारें बनाई हैं, राज्य में मुख्यमंत्री उनके हैं, आप उन सबको आतंकवादियों से तुलना करोगे तो जनता ही आपको उसका जवाब देगी। आतंकी कौन है और आतंकी मन किसका है वो दिखाई दे रहा है। यानी साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी उल्टा पलटवार करते हुए है कि ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की घबराहट दिखा रही है। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।